हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हालांकि अभी हम ड्यूटी पे हैं, लेकिन मेरे मन में जब भी कोई बात चलती है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अभी वीडियो बना दूँ बात के लिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ फिर। ये मेरी थोड़ी सी कमी है, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। तो हमेशा मैं देखते आया हूँ, दो तीन बार से मैं देख रहा हूँ कि जब भी किसी स्टेट पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो SSC GD की वैकेंसी उसके साथ निकलती है। जैसे पिछली बार भी देखा था, MP पुलिस की वैकेंसी भी साथ में ही चल रही थी, फिर SSC GD भी चल रही थी, और आगे पीछे थोड़ा दिल्ली पुलिस भी उसके आसपास ही थी। तो इस बार भी ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं, MP पुलिस का रिजल्ट आउट हो चुका है, अभी फिजिकल होना है, उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट आएगा। और SSC GD का भी एग्जाम हो चुका है, अब उसका रिजल्ट आते ही उसका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी प्रोसेस बहुत स्पीड से होगी। और इसके बाद आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो वो भी है, और UP पुलिस की भी अभी री एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या MP राजस्थान हरियाणा यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास चार पांच ऑप्शन हैं। आप कहीं भी आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग ले सकते हैं। पर जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जिनके एक से दो तीन भर्तियों में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो क्या करें? एक तो देखो डिफरेंस है, सैलरी हर स्टेट की डिफरेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सैलरी कुछ अलग है, SSC GD की कुछ अलग है। SSC GD और दिल्ली पुलिस की समथिंग सेम है, बाकी UP MP की दोनों अलग अलग सैलरी है। तो आपको अगर सैलरी के हिसाब से अगर सेलेक्ट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस में अगर आपका सिलेक्शन होता है वो आपके लिए बेस्ट है, उसके बाद SSC GD, उसके बाद UP पुलिस, फिर उसके बाद MP पुलिस का नंबर आप लगाना अगर सैलरी के अनुसार आप देखना चाह रहे हैं तो। और अगर आपको वर्कलोड के हिसाब से देखना है तो सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से MP पुलिस सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इतना वर्कलोड नहीं है। उसके बाद SSC GD, उसके बाद दिल्ली पुलिस, फिर UP पुलिस। तो ये आप वर्कलोड के अनुसार है। और बाकी अगर आप MP के हैं तो आप जानते हैं आपको क्या प्रेफर करना है। बाकी आप भी जानते हो कि जॉब करनी है अपने को, ऐसा नहीं होता है कि घर से रह के ही जॉब करनी है। MP UP में डिफरेंस इतना है कि UP में आप एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉइनिंग मिलती है, और MP में आपको एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के मिल सकती है, बाकी दिल्ली में आपको हमेशा दिल्ली में ही रहना है। और SSC GD में कोई भरोसा नहीं है आपको कौन सी यूनिट अलॉट हुई है, उसके बाद भी आपको साल के 8 से 9 महीने आपको बाहर ही रहना है, अपनी यूनिट में नहीं रहना है। 3 महीने शायद होता है कि अपनी यूनिट वापस आना है, बाकी 9 महीने आपको बाहर ही रहना है, और आपका बैग कंप्लीटली रेडी रहता है SSC GD में। कहीं भी आपको जाना पड़ता है, हर स्टेट के चुनाव आपको कराने हैं, कहीं भी कोई भी दंगा हो जाता है तो वहाँ आपको जाना है। तो SSC GD का ये वर्क नेचर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मतलब कठिन भी है और पुलिसों के हिसाब से, स्टेट पुलिस के हिसाब से। तो इनमें सबसे बेस्ट जो जॉब है मेरे हिसाब से वो दिल्ली पुलिस है, सैलरी के हिसाब से भी और वर्क नेचर के हिसाब से भी। तो आपका अगर सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में होता है, आप तैयारी करिए दिल्ली पुलिस में होता है, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और अगर आपको सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए हर स्टेट की पुलिस का, SSC GD का भी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं आपको बता दूंगा, जो भी मेरे को जानकारी होगी वो मैं दे दूंगा, या फिर गूगल से सर्च करके दे दूंगा।